भारत जैसे विशाल देश में कुमाऊं एक छोटा सा क्षेत्र है और पिथौरागढ़ एक छोटा सा नगर। इसी पिथौरागढ़ का एक छोटा सा गांव है रावलखेत। तो जब हम गांव शब्द सुनते हैं तो हमें क्या याद आता है? शायद वो हरे भरे पेड़, आंगन में गाय की आवाज़, चिड़ियों का चहचहाना और बच्चों का शोर। जैसे कि हम सभी जानते हैं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता में शुरू हुई, उससे पहले से भारत एक ग्रामीण तथा रियासतों से बना देश था। हमारा गांव रावलखेत भी चंद रजवार के रियासत का हिस्सा था। चंद रजवार कत्यूरी वंश से थे। रजवार का अर्थ होता है रजधनबार, अर्थात 12 राजाओं का एक समूह जिसका श्रेष्ठ रजवार राजा कहलाता था। चंद रजवार श्रेष्ठ होने से इसके अंतर्गत पाल, मल, बम, मड़कोटी आदि 12 राजा आते थे। 19वीं सदी के अंत में चंद राजा ने पाल राजा को रावलखेत गांव तथा उसके आसपास का जंगल का हिस्सा बेच दिया था और चंद ने 20वीं सदी के प्रारंभ में अपनी पुत्री का विवाह श्री मनमोहन सिंह पाल के मझले पुत्र श्री शमशेर बहादुर पाल से कर दिया था। पहले एक हल बल्द था और एक गाय दूध देने से एक हल भैंस दिन जन्म छा बनो छो बैठा अलग गोरु अलग कारबार ठीक छो बकार करीब 23 बकार से हमारे जब मैं है भी बोचो दाढ़ी वाल जब मैं 8 बोचे से दिलवान को नंदा से पूछा आप बस निराश जो आप सब चीज देखे एक बानर बजाए थे बानर मोलाई बजमरान बदरगाह जमरान मानर बजने क्या उन्होंने दिम रहा बात ये है ये अरे रूख लगा रहा है ये मैं दल्ला रूख लगा रहा है ये रूख को सब खा बेर बानर मिलता था करने लास्ट कहां से लाते थे हमको भी पता नहीं उस शाम तक तो हां जाके इतना कितना लेना है एक परिवार। अगर ज्योग्राफी के लिए देखें तो हमारा गांव रावलखेत, यहाँ पहुँचने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो है पिथौरागढ़ से सल वाले रूट में, जहाँ हम स्वालिक बुंगाचिना होते हुए सुरौली नाम की जगह पे हॉल्ट करते हैं, रुकते हैं और वहाँ से सुरौली जो कि यहाँ किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पहुँचा जा सकता है, जो 35 किलोमीटर दूर है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, और यहाँ से उसके बाद 5 किलोमीटर पैदल चल के हम अपने गाँव पहुँच सकते हैं, जो अभी भी पिथौरागढ़ से आने वाले लोगों के लिए रीजनेबली कम टाइम टेकिंग है। और जो दूसरा रूट है वो है पाताल भुवनेश्वर से, जहाँ अब हमारे गाँव में रोड कनेक्टिविटी है। पाताल भुवनेश्वर से यहाँ 70 किलोमीटर दूर गांव में पहुँचा जा सकता है, लेकिन रोड कनेक्टिविटी जो कुछ ही साल 2-4 साल पहले यहाँ पहुँची। लेकिन इस सड़क को देख के मुझे याद आता है महेश चंद्र पुनीठा जी की वो कुछ लाइनें, सड़क तुम अब आई हो गांव जब सारा गांव शहर हो चुका है। तो माइग्रेशन जैसे हम जानते हैं पलायन की मार हर एक गाँव झेल रहा है उत्तराखंड का, तो हमारा गाँव भी इस परेशानी से अछूता नहीं रहा है। अभी हम लोग बैठे हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी हुई पाताल भुवनेश्वर से रावलखेत गांव, ये हम रावलखेत के ही ऊपर बैठे हैं। अब रोड इतनी देर में आए कि तब तक ये सड़क जब आने सड़क आने से पूर्व ही लोग यहां से सब पलायन कर चुके थे। सड़क आई बहुत अच्छा, सड़क आने का फायदा हुआ गांव को। अगर यही सड़क पहले होती शायद इतने लोग पलायन नहीं कर पाते, क्योंकि मुख्य है विकास का मुख्य साधन है सड़क। अब सड़क जो हमारी प्रारंभ हुई थी अक्टूबर नवंबर 2014 से और 2016 में यह रोड बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी बन करके, और 2019-20 में इसका डामरीकरण भी पूरा हो चुका था। जो कलकत्ता पाताल भुवनेश्वर से थोड़ा आगे हमारी तरफ वहाँ से 70 किलोमीटर इसकी लंबाई है पूरी। पहले हम लोग सब पैदल जाया करते थे यहाँ से गुप्तड़ी गंगूलाट, और या तो फिर हमको थल माने भी पैदल है थोड़ा 3 किलोमीटर। मुख्य फायदा क्या है इसमें, नंबर एक पहले जो बीमारी होती थी आदमी को बीमार होते थे तो उनको डोली में हम लोग या सुरौली पहुंचाते थे नदी पार करके, या फिर हमको भुवनेश्वर ऊपर कलकत्ता गुप्तड़ी। ऐसे ही बहुत सी चुनौतियां हैं जो गांव अभी तक देख चुका है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो गांव में बहुत लेट पहुंची, जैसे कि 2003 में नदी में पुल बनना और 2009 में यहाँ पे बिजली का पहुँचना, जो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी देर में यहाँ पे बिजली पहुँची, और 2019 में यहाँ पे रोड का पहुँचना। ऐसे ही चुनौतियों को देखते हुए गांव धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहा है।
अब आगे की कहानी को देखते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपके गांव की भी कोई ऐसी कहानी है या फिर अगर आप कुछ भी अपने गांव की स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे अपने गांव की कहानी को लिख सकते हैं या कैसी कैसी चुनौतियां वहां पे देखने को मिली हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।